देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो फूड की प्रोडक्शन थी वो 3 गुना हो गई थी ना, ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट से जो फूड प्रोडक्शन थी वो 3 गुना हो गई थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जीएमओ। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि प्लांट्स या बैक्टीरिया या फंजाई या एनिमल्स जिनके जिनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब उनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें दी हुई है कि फायदा क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हम मान लो कोई गेहूं की फसल है या चावल की फसल है या बाजरे की फसल है, किसी भी फसल को क्रॉप को मान लो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकता है, कि क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड है ना, ठंड गर्मी सोल्टी कंडीशन, उनसे ज्यादा क्या है टॉलरेट कर पाती है एबायोटिक स्ट्रेस को, है ना, हम उसको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब क्या है, कि पेस्टिसाइड की जो है वो अपनी जो यूज है जो खपत है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम जेनेटिकली ऐसी क्रॉप बना देंगे जो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, है ना। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ ऐसे जीन डाल के उसको क्रॉप की वैरायटी को ही ऐसा बना देंगे, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, मतलब वही बात है, घूम फिर के सारे में वही बात आ रही है कि हम जेनेटिकली ऐसे तरीके से उस क्रॉप को मॉडिफाई करेंगे कि वो हमारे लिए हर तरीके से अच्छी हो, हर तरीके से ना, उसकी मिनरल यूसेज मतलब वो एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसमें अच्छी हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी उसमें कम हो, पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, है ना, और एबायोटिक स्ट्रेस के मोर टॉलरेंट हो। तो कुल मिला के ये तो थ्योरेटिकल सी बिल्कुल इजी बातें हैं। अब देखो बीटी कॉटन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब इस बैक्टीरिया के पास है क्या, एक जीन है, और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इन प्रोटीन क्रिस्टल्स की क्या खास बात है, इनमें क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, ठीक है। इन प्रोटीन क्रिस्टल में क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, मतलब इंसेक्ट साइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिक प्रोटीन इनके पास है जो इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से इंसेक्ट है, इंसेक्ट कौन से लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डायटेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म दिए हुए, कोलियोप्टेरम में बीटल्स, डायटेरम में फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ठीक है। तो ये अभी इनएक्टिव स्टेज में, मतलब जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जब बैक्टीरिया के अंदर है तो ये इनएक्टिव स्टेज में है ना। तो जब जब अब ये किसके इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर जो पीएच है वो अल्कलाइन है, वो बेसिक पीएच है, तो उस अल्कलाइन पीएच की वजह से ये टॉक्सिक प्रोटीन जो है ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा कहां पे, मिड गट की एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है। जो इंसेक्ट है उसके मिड गट में यह एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा और वहां पर पोर्स क्रिएट कर देगा, टॉक्सिक है ना, तो पोर्स क्रिएट कर देगा। तो उससे क्या होगी, इंसेक्ट के अंदर सेल स्वेलिंग होगी, फिर लिसिस हो जाएगी और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो हमें इतनी बात यहां पे पता चलेगी कि इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा जीन है जो इंसेक्ट को मार सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जीन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सी फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाल के कॉटन के प्लांट में डाल देंगे। देखो जो ये इंसेक्ट था ना, जो ये इंसेक्ट थे, ये क्या करते थे, कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे थे अपने। अब हमने क्या किया, जो जो जीन इन इंसेक्ट को मार सकता है, यानी बीटी, ये बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, उससे क्या किया, हमने टॉक्सिन वाला जीन निकाला और कॉटन के प्लांट में डाल दिया। अब ये क्या बन गया, बीटी कॉटन, ठीक है। अब कॉटन के प्लांट के पास क्या है, ये वाला जीन है, अपना इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, मतलब ये इंसेक्ट जब इसको खाएगा तो वो उसको मार देगा। तो इस तरीके से अपना बीटी कॉटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट होगी एक तरीके से। अब हम करने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास ये है टोबैको प्लांट और हमें क्या करना है, टोबैको प्लांट की खेती करनी है, टोबैको प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, है ना, हमें उसका बिजनेस करना है। तो अब दिक्कत क्या है कि टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है एक निमेटोड जिसका नाम है मिलोइडिगिनी इनकोग्निशिया, ये निमेटोड इसको खा जाता है और हमारी फसल को खराब कर देता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस निमेटोड से छुटकारा पाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
करेंगे, हम एक जीन, जीन किसके लिए, एक आरएनए को बनाने के लिए एक जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे टोबैको प्लांट में, है ना। और किसकी हेल्प से, तो प्लांट वेक्टर क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, उसकी हेल्प से हमने जीन को टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जब ये निमेटोड इस टोबैको प्लांट को खाएगा तो इस जीन की वजह से क्या है, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगी निमेटोड के अंदर, ठीक है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगी, जो इस निमेटोड की नेचुरली, है ना, नेचुरल तरीके से भी तो मैसेंजर आरएनए बनती है, हमारे अंदर भी बनती है, इसके अंदर भी बनेगी, वो जो मैसेंजर आरएनए नेचुरली बनेगी सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये आरएनए उसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगी, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जब इसके साथ बाइंड करेगी तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगी। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो जाएगी, मतलब अब ये मैसेंजर आरएनए एक तरीके से इसकी खराब हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, अब मैसेंजर आरएनए ही अगर खराब हो गई तो निमेटोड हो जाएगा बाय बाय, मतलब वो स्वर्ग सिधार जाएगा, है ना, वो किल हो जाएगा। देखो, हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। तो पेशेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है तो उसको ठीक करने की दवाई जो कि इंसुलिन है, हमें वो भी तो लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसुलिन को हम लार्ज अमाउंट में कहां से लाएं, कहां से प्रोड्यूस करें। तो इसकी सबसे पहली अप्रोच थी कि हम इंसुलिन को सिंपली एनिमल से निकाल लेते हैं, इंसुलिन को हम एनिमल से निकाल लेते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एनिमल से इंसुलिन निकालने के बारे में एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है मैंने उसका जूस निकाल के इसमें लिख दिया। देखो, हम इंसुलिन को निकालेंगे पैनक्रियाज से, हम इंसुलिन को निकालेंगे पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज किसका, स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स, ठीक है। एक बार फिर से, हम स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकालेंगे और डायबिटिक पेशेंट्स में यूज कर लेंगे। अब इस सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो, हम जब एनिमल से इंसुलिन निकाल के डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट में एलर्जी कॉज करता है, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट में एलर्जी कॉज कर देता है, तो ये प्लान हमारा हो गया फ्लॉप, ये एनिमल से इंसुलिन निकालने वाला हमारा प्लान हो गया फ्लॉप। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम इंसुलिन बनाने के लिए यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। देखो, हम सबसे पहले ऐसा जीन ढूंढेंगे जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके, सबसे पहले हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ढूंढेंगे। अब इस जीन का क्या करेंगे, देखो एक बात हमें पता है कि इंसुलिन हमें चाहिए बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में, तो हमें एक जीन से तो हमारा काम चलने नहीं वाला, हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इस जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दो। अब बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या होगा, देखो हमें पता है कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ घंटों में एक बैक्टीरिया से बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन सकते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया खुद डिवाइड करेगा तो इसके साथ रेप्लिकेट करेगा ये वाला जीन, तो हमें इंसुलिन भी लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन बन गया। अब आगे चलने से पहले हम थोड़ी बात इंसुलिन की स्ट्रक्चर पे कर लेते हैं। देखो, मैमल्स में इंसुलिन डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है इमैच्योर इंसुलिन, फिर इमैच्योर इंसुलिन की मैच्योरेशन होने के बाद बनता है मैच्योर इंसुलिन। इमैच्योर इंसुलिन को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब इस प्रो इंसुलिन में जब मैच्योरेशन होगी तो बनेगा इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन और इंसुलिन की स्ट्रक्चर का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, प्रो इंसुलिन में हमारे पास तीन पेप्टाइड चेन होती है, ए बी सी, ठीक है। प्रो इंसुलिन में हमारे पास तीन पेप्टाइड चेन, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए चेन और बी चेन होती है वो आपस में लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ए चेन एंड बी चेन लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब देखो, प्रो इंसुलिन यानी इमैच्योर इंसुलिन में हम क्या ऐसा चेंज लाएं कि हमारे पास मैच्योर इंसुलिन बन जाए, ठीक है। तो देखो, प्रो इंसुलिन में ये जो आपको सी चेन दिख रही है सिंपली इसको उड़ा देना है, ठीक है।
प्रो इंसुलिन में जो सी चेन है उसको अगर हम डिलीट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा मैच्योर इंसुलिन। तो हमारे पास मैच्योर इंसुलिन में क्या बचा, ए चेन और बी चेन, और दोनों चेन आपस में लिंक्ड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। तो ये हमारे पास हो गया मैच्योर इंसुलिन। अब एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि इंसुलिन को बनाने में जो मेन चैलेंज था वो था मैच्योर इंसुलिन को बनाना। मतलब हम ऐसा इंसुलिन डायरेक्टली कैसे बनाएं कि उसमें सी चेन ना हो, उसमें सिर्फ ए चेन हो, बी चेन हो और दोनों चेन लिंक्ड हो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो अब इस चैलेंज को ओवरकम किया एक अमेरिकन कंपनी ने। देखो ये पूरा एनसीईआरटी का जूस है, एक एक पॉइंट ध्यान से। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था इलाई लिली, इलाई लिली कंपनी ने 1983 में ई कोलाई के प्लाज्मिड को यूज किया। तो प्लाज्मिड का यूज करके उन्होंने क्या किया, देखो हमारे पास चैलेंज क्या था कि हमें मैच्योर इंसुलिन बनाना है। मतलब मैच्योर मतलब जिसमें सिर्फ ए चेन हो और बी चेन हो और दोनों चेन लिंक्ड हो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। तो उन्होंने क्या किया, ए चेन को अलग से बना लिया और बी चेन को अलग से बना लिया। ठीक है, ए एंड बी चेन्स आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली और उन्होंने बाद में ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ए को अलग से बनाया, बी को अलग से बनाया और बाद में दोनों चेन्स को जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से उन्होंने इस चैलेंज को ओवरकम किया और मैच्योर इंसुलिन बना लिया और मार्केट में अवेलेबल करा दिया, जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए पूरी दुनिया में यूज होने लगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जीन थेरेपी होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। मान लो हमारी बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है और इस डिफेक्टिव जीन को हमने रिप्लेस कर दिया नॉर्मल जीन के साथ। ठीक है, डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ हमने रिप्लेस किया और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली जीन थेरेपी। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे तो सबसे पहले है पहली जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई एक 4 साल की लड़की को। ठीक है, एक 4 साल की छोटी लड़की को दी गई फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी और कब दी गई, 1990 में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों दी गई, तो सिंपल सी बात है, इस बच्ची को कोई बीमारी होगी तभी तो हमने इसको जीन थेरेपी दी। ठीक है, बिना बात क्यों जीन थेरेपी देंगे, तो इसको एक डिजीज है, उस डिजीज का नाम है एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी, अब देखो नाम से पता लग रहा है एडीए डेफिशिएंसी मतलब एडीए की कमी हो गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये एडीए क्या होता है, तो एडीए पे थोड़ी बात करते हैं। देखो एडीए एक टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, एडीए एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम की फुल फॉर्म है, एडीए की फुल फॉर्म है एडीनोसाइन डीअमाइनेज। एडीए की फुल फॉर्म क्या है, एडीनोसाइन डीअमाइनेज, और ये एंजाइम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है। ठीक है, एडीए एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है। अब इस बच्ची की बात करते हैं, तो इस छोटी सी बच्ची में एडीए एंजाइम की कमी होगी। अब एडीए की कमी होगी तो उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो गया। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो वो जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। अब इस बच्ची की बीमारी या और भी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में 3 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, फोकस करना, एनसीईआरटी में दिए हुए एक एक पॉइंट। पहला मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा मेथड लिम्फोसाइट कल्चर। एक बार फिर से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार फिर से करेंगे। पहला मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा मेथड लिम्फोसाइट कल्चर। अब जितना भी एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हमने बोन मैरो को चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास डिफेक्टिव बोन मैरो था, हमने इसको सिंपली रिप्लेस कर दिया नॉर्मल बोन मैरो के साथ। ठीक है, हमने डिफेक्टिव बोन मैरो को निकाल लिया और नॉर्मल बोन मैरो पेशेंट में डाल दिया। ठीक है, ये तो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब नेक्स्ट मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो ये सबसे आसान मेथड है, बहुत सिंपल है।
आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हुई और डॉक्टर ने उसी चीज का आपको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपकी बॉडी में मान लो ग्लूकोज की कमी हुई और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया ग्लूकोज का, और इसी केस में यहां ग्लूकोज को एडीए से रिप्लेस कर देते हैं कि आपकी बॉडी में एडीए की कमी हुई और डॉक्टर ने इंजेक्शन डायरेक्ट लगा दिया पेशेंट को एडीए का, ठीक है, जिसकी कमी हुई उसी का इंजेक्शन लगा दिया। बहुत सिंपल है। देखो हमने जो दो मेथड अभी किए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनके साथ एक दिक्कत है, ये दोनों थोड़े टेम्परेरी मेथड हैं, तो हमें एक थोड़ा परमानेंट मेथड चाहिए, तो हमने यूज किया लिम्फोसाइट कल्चर का, ये थोड़ा परमानेंट मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फोसाइट कल्चर। देखो बहुत सिंपल है, मान लो आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और जो जीन एडीए एंजाइम की फॉर्मेशन करता है उस पेशेंट के पास वो जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, तो सिंपली आप उसमें नए जीन डाल दोगे, जो डिफेक्टिव जीन है उनकी जगह पे आप नए जीन डाल दोगे। तो उसमें हम नए जीन कैसे डालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहला हम काम करेंगे उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उन लिम्फोसाइट्स में नए वाले जीन डाल देंगे। अब नए जीन हम डालेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब आपको पता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें चाहिए एक वेक्टर, ठीक है, तो एनिमल्स के लिए जो कॉमन वेक्टर यूज होता है वो होता है रेट्रोवायरस। तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज करके एडीए के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था पेशेंट की लिम्फोसाइट निकाल के उनमें डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास लिम्फोसाइट पेशेंट की बाहर है, ठीक है, बाहर है और उनमें हमने जीन डाल दिया। अब हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो हमने लिम्फोसाइट निकाली थी और जिनमें जीन हमने डाल चुके हैं ऑलरेडी, वो हम पेशेंट को लौटा देंगे, ठीक है। हमने डिफेक्टिव चीज पेशेंट की निकाली, उसको मरम्मत की, उसकी रिपेयरमेंट की और उसको पेशेंट को लौटा दिया, ठीक है। पर इस मेथड के साथ एक दिक्कत है, ये भी परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो यहां पे लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स आपको पता है एक टाइप की सेल होती है। अब सेल है तो कभी ना कभी तो मरेगी, अमर तो है नहीं है, तो हमने जो लिम्फोसाइट रिपेयर करके इस पेशेंट को लुटाई थी वो थोड़े दिन बाद मर जाएगी। तो अगर इस पेशेंट को हमेशा पूरी जिंदगी हमेशा नॉर्मल फंक्शन करना है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने रिपेयर की, ये मर गई, तो हम दोबारा से नई डाल देंगे, वो फिर से मर जाएगी, फिर से हम नई डाल देंगे, तो इस तरीके से रिपीट करना पड़ेगा, तो ये भी परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अगर इस प्रोसेस को हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो ये परमानेंटली क्योरेबल हो सकती है, ठीक है, एडल्ट में नहीं होगी पर अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो परमानेंट क्योरेबल हो सकती है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स असल में होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखो ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाता है उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। एनिमल्स विद मैनिपुलेटेड डीएनए क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट सब कवर करा दूंगा, ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का जूस है, एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी और रोजी को डेवलप किया गया 1997 में। एक बार फिर से, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी और उसको डेवलप किया गया 1997 में। अब रोजी की खास बात क्या थी कि उसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रोटीन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन ये बहुत अच्छी अमाउंट में था। कितनी अमाउंट में था ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर। और इसकी वजह से इस रोजी का मिल्क जो है वो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी जिसको डेवलप किया गया 1997 में, उसमें ये वाला प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में था और इस वाले प्रोटीन होने की वजह से उसका मिल्क न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड हो गया।
अब नेक्स्ट देखो फिर से वही एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करेंगे। देखो एक ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, इसका यूज हम करते हैं इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन और उसका यूज किया जाता है इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसजेनिक माइस का यूज पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी या ट्रायल कुछ भी बोलो, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, इसको हम याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है, तो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर डिजीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सी, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, तो ये ऐसी डिजीज हैं जिनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। एक बार फिर से करते हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ऐसी कोई याद रखने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे सीरम है एंड यूरिन एनालिसिस है, इसमें क्या है कोई भी डिजीज की डायग्नोसिस करनी है तो वो लेट डिटेक्शन होती है ना, बहुत देरी से। बट जो ये वाली टेक्निक है अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, एलिजा है, तो इनसे क्या होगा हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि छोटे से छोटा है ना, यही बात यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखी हुई है कि यूरिन और सीरम में हमें कोई भी मॉलिक्यूल या एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ भी डिटेक्ट करना है तो उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। बट इन टेक्निक का यूज करके हम कम अमाउंट वाले पैथोजन को क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, पीसीआर से हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, है ना। तो उस तरीके से हम, मतलब कहने की बात यह है कि कम से कम कंसंट्रेशन, पैथोजेंस की कम से कम कंसंट्रेशन में भी बायोटेक का यूज करके हम डिटेक्ट डिजीज को कर सकते हैं ना, और जितनी कम कंसंट्रेशन में डिजीज को डिटेक्ट करेंगे उतनी हमारे लिए अच्छी बात है ना, उसको ठीक भी उतनी आसानी से कर सकते हैं। एक इसमें आपको यह याद रखनी है कि एलिजा जो होती है ना, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, ये किस पे डिपेंड करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इसका मैकेनिज्म होता है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इसका मैकेनिज्म होता है। GEAC यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अब इस कमेटी का काम क्या है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब कुल मिला के वही है कि जीन की ऑल्ट्रेशन या बायोटेक के रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, ये उसको रेगुलेट करेगी कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मतलब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हुई उनकी वैलिडिटी चेक करेगी। और मान लो कोई भी प्रोडक्ट हमें पब्लिक में लॉन्च करना है, कोई भी दवाई लॉन्च करनी है, कोई भी फसल लॉन्च करनी है, तो उसकी जो पब्लिक में सेफ्टी पहले चेक की जाएगी ना, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट मार्केट में उतार दी, पहले उसकी सेफ्टी चेक की जाए। तो एक कमेटी बना दी कि भाई तुम देख लो क्या सेफ है, क्या नहीं है, क्या वैलिड है, क्या नहीं है, तो ये कुल मिला के ऐसे डिसाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल सी बातें ही आएंगी अब इस टॉपिक में, इतना कुछ खास नहीं है, है ना। जैसे राइस के बारे में बताया है ना, ये अपना वो हो गया पेटेंट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ट्रिक बनाई है ना, तो मैं उसका पेटेंट करा लेना चाहिए मेरे को कि ये मेरी ट्रिक है ना, ताकि उसको और कोई कॉपी ना करे, तो कुछ इस तरीके से दिए। जैसे राइस है, राइस की इंडिया में वैरायटी बताई हुई है कि 2 लाख से भी ज्यादा है ना, और बासमती की 27 वैरायटी, 27 वैरायटीज इंडिया में, और बासमती की खास बात क्या है, उसकी खुशबू, उसका अरोमा, ठीक है। तो यहां पे एक गड़बड़ बताई हुई है कि 1997 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन कंपनी में बासमती, एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, यूएस, अमेरिकन तो यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में क्या किया, बासमती का पेटेंट करा लिया कि बासमती हमारी वैरायटी है ना। तो ये पेटेंट में कुछ दिक्कतें आती हैं, क्यों, क्योंकि हर किसी को अपना अपनी चीज का पेटेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो जैसे बासमती है इंडिया की बट अमेरिका ने उसका पेटेंट करा लिया 1997 में, तो ये गड़बड़ सी है। जैसे टर्मरिक और नीम है, ये इंडियन प्लांट्स हैं, इंडियन मेडिसिंस है ना, अब इंडिया अगर इनका पेटेंट नहीं कराएगी तो कोई और करा लेगा, तो वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बायो पायरेसी में भी ऐसा ही है, देखो बायो मतलब बायो रिसोर्सेज, पायरेसी मतलब बिना परमिशन के यूज करना, मतलब बायो रिसोर्सेज का बिना परमिशन के यूज करना है ना। कोई भी मान लो बहुत बड़ी कंपनी आई किसी छोटे से देश में, है ना, किसी अंडर डेवलप्ड देश में आई और उनके बायो रिसोर्सेज का बिना परमिशन के यूज करने लगी, तो इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी, कुछ मिला के इनको चोरी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये एक एनसीईआरटी में छोटी सी बात लिखी हुई है कि इंडियन पार्लियामेंट में, मतलब भारत की पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट हुई है, किसमें, इंडियन पेटेंट बिल में, इंडिया का जो पेटेंट बिल है उसमें सेकंड अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। ये अपना सिंपल सा था, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।